एल्विश यादव को आखिर किसने कल बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से रोस्ट कर दिया है, और यही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं एल्विश यादव को जो है ये भी कहा है कि भाई ऐसा मत करो, आपके सब्सक्राइबर्स गिर जाएंगे। और इसी के साथ साथ बहुत अलग अलग तरीके की कॉमेंट्री हमको सुनने को मिली है। नमस्कार आप सभी का, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम गणेश कांदो है। पहले तो स्वागत करता हूँ सभी लोगों का। आपको बता रहे दोस्तों कि कल जो है ISPL का मैच था, और इस मैच में जो पब्लिक का एक हिसाब से व्यूअर्स अगर काउंट देखे तो बहुत तगड़ा था, बिकॉज बहुत लोग देख रहे थे, फॉर फन ही समझ लीजिए, बट देख रहे थे बहुत सारे लोग। और देखा जाए तो इसमें एल्विश, मुनव्वर, अक्षय कुमार और रियाज और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स कह लीजिए, क्रिकेटर्स कह लीजिए, एक्टर्स कह लीजिए, मौजूद थे, जिस वजह से ये जो मैच था वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि इंटरेस्टिंग हुआ। बट जब एल्विश यादव बॉलिंग करने के लिए आए, पहले बॉल पर उनको पड़ता है एक सिक्स जो कि मुनव्वर ही मारते हैं, और उसके बाद एल्विश बॉलिंग कर रहे हैं और बॉल जो है वो स्टंप तक पहुंच ही नहीं रही है, दो टप्पे तीन टप्पे खा के स्टंप तक पहुंच रही है। तो अभिषेक बच्चन और बोमन रानी जो है वो कमेंट्री बॉक्स में बैठे थे, तो उनका कमेंट्री होता है जहां पर अभिषेक बच्चन ये कहते हैं कि एल्विश लग रहा है बास्केटबॉल खेल रहे हैं। फिर उसके बाद अभिषेक बच्चन ये बात कहते हैं कि एल्विश जिस हिसाब से खेल रहे हैं उनको बॉलिंग वगैरह छोड़ देनी चाहिए। और मैं आपको पूरा कमेंट्री बता दूँ क्या लिखा है। एल्विश भाई अगर ऐसा बॉलिंग करते हो तो मना कर देते भाई, गिल्ली डंडा खेलने वाले भी गिली मार तक तो फेंक ही देते हैं, बॉल स्टंप तक ही नहीं पहुंच रही है। ये बात कही उसके बाद ये भी कहा कि भाई अगर ये दोबारा से ऐसी बॉल डालोगे तो आपके सब्सक्राइबर्स गिर जाएंगे, सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइब कर देंगे। जिसके बाद दूसरा बॉल वो टॉट करते हैं और उसके बाद अभिषेक कहते हैं कि आपको एक सब्सक्राइबर मिल गया, यानी कि मैं मतलब भाई कल जेन्युइनली जिस तरीके से एल्विश यादव बॉलिंग कर रहे थे बहुत अलग ही कुछ स्टाइल लगा मुझे, तो जिसके वजह से थोड़ा सा ट्रोल हो रहे हैं वो, बट ठीक है। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताएगा मैं हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।